दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पहले हम आपको असली बयान बता देते हैं, इसके बाद प्रतिक्रियाओं की तरफ ले चलेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत की करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश भगवान की तस्वीरें भी होनी चाहिए। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि नए करेंसी नोट पर गांधी जी की तस्वीरों के साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीरें भी रहें। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल की इस सलाह के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। इससे पहले भी सरकारी दफ्तरों में शहीद भगत सिंह की तस्वीरों को जगह देकर उन्होंने पंजाब की सियासत में एक नया कार्ड खेला था जो सफल भी रहा। खुद को हनुमान भक्त बताने वाले केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व के माहिर खिलाड़ी बनते जा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार भी शुरू हो चुके हैं। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि आपको लक्ष्मी गणेश की याद चुनावों के कारण आ रही है। केजरीवाल को फर्जी हिंदू बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे और बीजेपी नेता हरीश खुराना ने क्या कहा, ये आप खुद ही सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी, आज आपको याद आया है ये जो नोटों के ऊपर फोटो आनी चाहिए गणेश जी और लक्ष्मी जी की, चुनावी वर्ष है इसलिए क्योंकि चुनाव पास आ रहे हैं गुजरात के और आपको वहां नजर आ रहा है कि आप वहां पे फेल हो रहे हो, इसलिए आपको आज फर्जी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हो। आपके याद है आपको आपने राम मंदिर जी के बारे में या राम अयोध्या के बारे में क्या बोला था, और आपने तो पिछले साल एक आयोजन किया था दिवाली के ऊपर कि बहुत बड़ा आपने अयोध्या का मंदिर बनाया था यहाँ पे पंडाल के रूप में, इस बार वो आयोजन कहाँ गया? आपने आयोजन किया ही नहीं इस बार, क्यों? आपको पता होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो आज आपने डिमांड रखी है सिर्फ और सिर्फ चुनावों को देख के रखी, और जो आप हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हो सफल नहीं होने वाला है, इसलिए लोग समझते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ चुनावी हिंदू। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी केजरीवाल की इस मांग का समर्थन किया है। वरिष्ठ बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी केजरीवाल के इस बयान पर पलटवार करते हुए क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। अरे केजरीवाल साहब ने तो गांधी जी की प्रतिमा ही हटा दी, वो बाबा साहब और भगत सिंह की फोटो तो लगाते हैं, वो पहले मुख्यमंत्री हैं इस देश के जो महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर शपथ तो लिया उन्होंने, वहाँ पर जाकर आंदोलन में महात्मा गांधी के नाम का फायदा तो उठाया, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो महात्मा गांधी की तस्वीर को हटाने का काम किया, ये पूरा देश और पूरा गुजरात जानता है। आम आदमी पार्टी अब सिर्फ दिल्ली की पार्टी नहीं रही, दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकारें चल रही है, गुजरात में भी पार्टी के नेता शानदार प्रदर्शन के दावे कर रहे हैं। बीजेपी के लिए गुजरात का महत्व कितना है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगले 5 दिनों तक गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में रहकर पार्टी की जीत की किलेबंदी करेंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की इस मांग का कोई सियासी असर पड़ता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।